आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे नेताओं को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा में कांग्रेस पार्टी से बड़ी संख्या में लोग आकर सुकून महसूस करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से काम करने के लिए एक सकारात्मक तरीके से कार्य करने की प्रणाली सभी को आकर्षित करती है। भाजपा के अंदर परिवार में कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग आकर के अपने आप को सुकून पाते हैं और राजनीतिक दृष्टि से काम करने की एक अच्छी अवसर की प्रतीक्षा में या खास करके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की जो मन की इच्छा होती है उसके अंदर काम करने में जो एक सकारात्मकता होना चाहिए, एक राजनीतिक समझ होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, परस्पर सभी समाज के लोगों को चलने की जो भाजपा की परंपरा वो सहज लोगों को आकर्षित करती है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस और खासकर इनके बड़े नेता अब इनने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया। उनकी पत्नी, उनके बेटे, वो ही नेता बनना चाहिए। आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहिए। मुझे ध्यान में आया है कि कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी है, हमारे गौंड समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी तीन पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गौंड राज परिवार के सदस्य हैं, कमलेश सहजी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज के ऐसे नेता को गाली बकना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के द्वारा बहुत गड़बड़ है, तो ये वो गड़बड़ी के प्रमाण है कि ये किसी समाज को नहीं जानते, किसी के बारे में भी कुछ बोल देते हैं, किसी को भी अपमान कर देते हैं। राजनीति में इससे किसी की छवि नहीं बनती, और खासकर आप प्रत्याशी हो एक समाज के इतने बड़े व्यक्ति का। भाई उनने उसके उल्टे, जब कमलेश शाह जी आए तो उनने सम्मान के साथ कहा कि हाँ मेरे आदरणीय रहे हैं कमलनाथ जी, तो जब वो तो विनम्रता रख रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं, लेकिन आप उनको छींटे क्या मार रहे हो, गाली मार रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं, इससे बचना चाहिए। उधर आगर मालवा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है, जो छोड़कर जा रहे हैं उन्हें धंधा करना है, दलाली करनी है, लेकिन वे अकेले ही जा रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को अपनी वादा निभाओ पदयात्रा से पहले शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन किया। कांग्रेस ने उन्हें राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। ये था अब तक का अपडेट। हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।